मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 7 है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखो परमाणु, आपको पता है कि परमाणु जितने भी इन्वायरमेंट में, वातावरण में जो भी सजीव है, निर्जीव है, उन सबका जो शरीर है वो किससे बना हुआ होता है? परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो आज हम परमाणु के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है डाल्टन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है डाल्टन का सिद्धांत। आज हम डाल्टन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखो जो डाल्टन का सिद्धांत है ये अपने आप में यूनिक है। डाल्टन का जो पहला सिद्धांत है ये क्या काम करता है? डाल्टन का जो पहला सिद्धांत है वो ये कहता है कि पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। डाल्टन का सिद्धांत क्या कहता है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि जो परमाणु होता है ना, ये पदार्थ का अविभाज्य कण है। कैसा कण है? अविभाज्य, यानी इस परमाणु के और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे पहले डाल्टन ने इसको केमिस्ट्री में बताया था, तो उस टाइम जो है हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उस समय तक। याद रखना प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु क्या होता है? पदार्थ का अविभाज्य कण है, ठीक है, और इसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा जो है इसका वो ये है कि जो परमाणु होता है, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु समान और अलग अलग, या कह सकते हो कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान, ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के सारे परमाणु समान, सल्फर के सारे परमाणु समान, तो एक ही तत्व के सारे परमाणु समान, और अलग अलग तत्व के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं तो देखो जो परमाणु है, इस परमाणु के जो रासायनिक गुण अगर बात करें, तो अगर एक ही तत्व है तो उसके रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। एक ही तत्व के रासायनिक गुण क्या होंगे? समान। और अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण क्या होंगे? अलग अलग। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही तत्व के रासायनिक गुण को क्या होंगे? समान। और अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण धर्म क्या होंगे? अलग अलग। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कि एक ही तत्व के परमाणु समान होंगे और अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और इनके रासायनिक गुण धर्म भी क्या होंगे? अलग अलग। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो डाल्टन के सिद्धांत के थे। लेकिन डाल्टन का सिद्धांत जो होता है सारी जो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, इसीलिए इस सिद्धांत को आगे और किस साइंटिस्ट ने बढ़ाया था? अगला जो मॉडल दिया था वो दिया था थॉमसन ने। थॉमसन को टॉमसन भी कह सकते हो, थॉमसन मॉडल या टॉमसन मॉडल। थॉमसन या टॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने केमिस्ट्री में कुछ लॉ दिए थे, कुछ नियम दिए थे। तो इसने एक मॉडल दिया था परमाणु के बारे में, उस लो को अपन क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग थॉमसन के मॉडल का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग। ये जो प्लम पुडिंग जो नाम लिया हुआ था, ये नाम किससे लिया था? प्लम पुडिंग जो नाम है ये एक क्रिसमस केक था, उसके नाम पर रखा हुआ है प्लम पुडिंग, जिसमें जो प्लम है ये तो हो जाएगा केक वाला पार्ट हो जाएगा, पुडिंग जो है उसके अंदर लगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे जो केक के अंदर लगे हुए हैं, या इसमें कोई मिठाई में लगे हुए हैं। प्लम को आप कोई केक या मिठाई समझ सकते हो, और पुडिंग का मतलब उसमें लगे हुए जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हो जाएंगे। तो थॉमसन या टॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। अब जो ये प्लम पुडिंग मॉडल है, इस मॉडल को साइंटिस्ट ने समझाया था, और साइंटिस्ट ने इसको किस आधार पर समझाया था प्लम पुडिंग मॉडल को? देखो थॉमसन ने कहा था कि कोई भी परमाणु है, इस परमाणु का जो बाह्यतम भाग है वो तो है धनावेश। कैसा है? धनावेशित। और इसके अंदर जो माइनस वाला पार्ट है वो कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर का आपको पॉजिटिव पार्ट नज़र आ रहा है वो तो क्या है? धनावेशित है। और इसके अंदर जो माइनस वाला पार्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स है। बाहर का पॉजिटिव पार्ट तो धनावेशित है, और माइनस वाला पार्ट क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन्स है।
अब इसने ये कहा था कि ये जो प्लम है, प्लम का मतलब कोई भी मिठाई है, ड्राई फ्रूट्स है, तो सॉरी कोई भी मिठाई है या केक है, तो वो तो हो गया बाहर वाला पार्ट हो गया, यानी परमाणु के बराबर मान लो उसका, धनावेश पार्ट मान लो, इसको अपन धनावेश पार्ट मान लेंगे। पुडिंग का मतलब हो जाएगा ऋणावेश, यानी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है, ऋणावेश है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऋणावेश हो गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो प्लम पुडिंग के आधार पर प्लम पॉजिटिव हो गया, पुडिंग नेगेटिव हो गया, ये चीज़ें पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए, अपने आप में नेगेटिव हो गए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लम पुडिंग के बाद अगर हम बात करें, तो इसको एक तरबूज के आधार पर भी समझाया गया था, जैसे तरबूज का जो रेड वाला पार्ट हम खाते हैं वो तो है धनावेशी, तो उसको आप नाभिक मान सकते हो, और उसके अंदर जो ब्लैक वाले जो बड़े वाले बीज होते हैं उनको क्या माना, इसने इलेक्ट्रॉन माना, कि जैसे तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं वैसे नाभिक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था, कि ये क्या हो जाएगा, परमाणु है जो धनावेशित है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऋणावेशित है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था, जिसको इसने क्या नाम बोला, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था। तो आप इसको ध्यान रखना। अब अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो देखो थॉमसन का जो मॉडल था वो सिर्फ इतना ही था, लेकिन इसने नाभिक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ ये बताया था कि जो परमाणु है वो वैद्युत उदासीन होता है, और ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया था। तो इस सिद्धांत को आगे किसने डिस्कस किया था, रदरफोर्ड का नियम, रदरफोर्ड ने डिस्कस किया था। तो इसके बाद का जो साइंटिस्ट है वो है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का अल्फा, यानी अल्फा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, या अल्फा कर्ण प्रकीर्णन, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन सिद्धांत, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन सिद्धांत, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन सिद्धांत। देखो रदरफोर्ड का जो अल्फा कर्ण प्रकीर्णन सिद्धांत था, ये सिद्धांत क्या कहता था, रदरफोर्ड का जो अल्फा कर्ण प्रकीर्णन सिद्धांत था ना, ये सिद्धांत ये कहता था कि रदरफोर्ड ने क्या करवाया था, कि सोने की पन्नी ली थी, और सोने की पन्नी का जो साइज उसने लिया था वो 10^-7 जो है इसके आसपास लिया था, इतने मीटर के आसपास लिया था, 10^-7 मीटर के आसपास। और इसने क्या किया था, सोने की पन्नी पर, जो सोने की पन्नी थी उसके ऊपर इसने क्या करवाया था, अल्फा कण का प्रकीर्णन करवाया था, अल्फा कण का प्रकीर्णन करवाया था। अल्फा कण के प्रकीर्णन का मतलब ये है, अल्फा कण होता क्या है, अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है, अल्फा कण का मतलब होता है 2H4। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण एक हीलियम का नाभिक होता है, एक हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण बोलते हैं। तो इसने इसके ऊपर क्या करवाया था, अल्फा कण की बॉम्बार्टमेंट करवाई थी, क्या करवाई थी, अल्फा कण की बॉम्बार्टमेंट करवाई थी, यानी बौछार करवाई थी। जब इसने अल्फा कण की बौछार इसके ऊपर करी, तो अल्फा कण की जब बौछार इसके ऊपर करी तो क्या हुए, बौछार की वजह से यानी अल्फा कण से टकराए नाभिक से, और नाभिक से टकराकर क्या हुआ, क्योंकि अल्फा कण पे भी पॉजिटिव चार्ज है और नाभिक में भी पॉजिटिव चार्ज है, पूरा जो परमाणु होगा, परमाणु के सूक्ष्म भाग में नाभिक होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही अब इस लगभग इसे 20,000 अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, 20,000 अल्फा कणों की बौछार, तो इनमें से एक अल्फा कण तो सीधे टकरा के वापस 180 के एंगल पे वापस आ गया, यानी जैसे गया वैसे ही वो वापस आ गया, लेकिन बाकी अल्फा कण जो है कोई कम एंगल पे कोई ज़्यादा एंगल पे क्या हो गए, डेविएट हो गए, प्रकीर्णित हो गए। बाकी जो थे वो कुछ कम कोण पे कुछ अधिक कोण पे क्या हो गए, प्रकीर्णित हो गए। तो इससे ये पता लगा कि 20,000 में से एक अल्फा कण गया और वापस आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ भी प्लस था और अल्फा कण पे प्लस था, यहाँ भी प्लस था, प्लस प्लस के बीच में क्या लगा, प्रतिकर्षण लगा, इस प्रतिकर्षण की वजह से ही वो क्या हो गया, वापस आ गया टकरा कर, इस प्रतिकर्षण की वजह से ही वो इसे टकराया और क्या हो गया, वापस आ गया, क्योंकि इनके बीच में क्या लगेगा, बल प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण की वजह से वापस आ गया, सिर्फ एक अल्फा कण वापस आया है। एक का मतलब है कि परमाणु के बहुत सूक्ष्म भाग में नाभिक था, बहुत छोटे भाग पर प्लस था, इसलिए सिर्फ वो एक ही वापस आया, वरना 2-3 अल्फा कण भी वापस आ सकते थे, अगर 2-3 अल्फा कण आते तो नाभिक थोड़ा बड़ा होता साइज में, बहुत छोटा, इसे ये पता लगा कि नाभिक जो परमाणु है उसके सूक्ष्म भाग में क्या है, धनावेश है, क्योंकि धनावेश ही धनावेश को क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है, और एक वापस आया इसका मतलब सूक्ष्म भाग में है, तो ये ध्यान रखना कि ये प्रतिकर्षण हुआ। तो इससे ये पता लगा, तो जो अल्फा कण प्रकीर्णन से ये पता लगा कि जो परमाणु है उसके सूक्ष्म भाग में नाभिक है, धनावेशित है, जो क्या करता है अल्फा कणों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है।
ये सिद्धांत था ये रदरफोर्ड ने दिया था सोने की पन्नी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिया था, और इसमें ये बताया था कि परमाणु का जो साइज है वो 10^-10 मीटर और नाभिक का साइज जो 10^-15 मीटर है। तो ये इसके कुछ कंक्लूजन थे जो रदरफोर्ड के नियम थे। आज के लिए इतना ही।